पीबीएम एजुकेशन में आप लोग का स्वागत है। आज हम लोग स्वयं करो 6.6 क्लास 7 पेज नंबर 100 का पूरा समाधान करेंगे। देखिए एक दो दो नंबर ये दोनों सवाल को हम लोग क्या करेंगे, समाधान करेंगे। जैसे कि एक नंबर में देखिए दिया हुआ है कि प्रत्येक का गुणनफल निकाले, तो मतलब ये जो दिया हुआ है इसका क्या करना है, आप लोग को गुणनफल निकालना है। तो गुणनफल निकालने से पहले सुन लीजिए, देखिए गुणनफल में क्या होता है कि ये जो पावर ये एक्स है ना, एक्स गुना के साथ क्या होता है, एक्स का पावर जुड़ जाता है, गुना नहीं होता, एक्स गुना नहीं होता। जैसे कि देखिए एक्स है गुने एक्स, तो ये एक्स एक्स गुना नहीं होगा, हालांकि इसका एक पावर एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ये पावर जुड़ जाता है, तो ये ध्यान में रखिएगा तो बन जाएगा। जैसे कि यहाँ पे एक्स स्क्वायर है और यहाँ पे एक्स है, तो ये एक्स क्यों हो जाएगा, तो ये ऐसे ही गुणनफल होता है, ठीक है। तो आप लोग ये गुणनफल ध्यान में रखिएगा। जैसे कि एक नंबर देखिए करते हैं, ये एक का एक जैसे कि 7 और 2x, तो मतलब गुना कर दीजिए 7 × 2x, तो 7 × 2 = 14x, ये हो गया आंसर। अब दो नंबर देखिए, फोर एक्स तो क्या हो जाएगा, -3 × -3x × 4x। अब देखिए माइनस प्लस माइनस, 4 × 3 = 12। अब देखिए एक्स 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 स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए तीन नंबर, -2x − 3x² अब गुना कीजिए -2x × -3। माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस प्लस 3 × 6। अब देखिए यहां पे एक्स और एक्स स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा एक्स क्यूब, हो गया आंसर। अब चार नंबर, सेवन एक्स जीरो, तो क्या हो जाएगा 7x × 0। अब फाइव नंबर देखिए, 3ab 4ac। अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, हम लोग गुना करेंगे, तो 3ab × 4ac। अब देखिए 4 × 3 = 12। अब ए तो ए स्क्वायर हो जाएगा, बी और ये सी हो गया। अब देखिए सिक्स नंबर, (8x²) 2y², देखिए 8x² × 2y². 4 × 2 = 8 (x²) (y²). अब देखिए 7 नंबर, 2a² b और ये 3ab² अब देखिए 2a² b × 3ab². अब देखिए यहाँ पे ध्यान से देखिए, पहले संख्या का गुना करेंगे, 3 और 2 (3 × 6). अब देखिए a² b, a² a, तो एक इसका 2 पावर और इसका 1 पावर, तो 3 पावर हो जाएगा, a पे पावर 3 और ये b² तो b पे पावर 3, तो ये हो जाएगा। देखिए इसका 1 और इसका 2 ये जुड़ जाएगा तब होगा। अब देखिए 8 नंबर, 4xy - 4xy, अब देखिए -4xy × -4xy, देखिए माइनस माइनस तो हो जाएगा प्लस, 4 × 4 = 16। अब एक्स एक्स तो एक्स स्क्वायर और वाई वाई तो वाई स्क्वायर, ये हो गया आंसर। अब देखिए जैसे कि आप लोग के सामने देखिए ये चार्ट दिया गया है कि प्रथम एक पदीय बीजगणितीय संख्या माला को द्वितीय एक पदीय बीजगणितीय संख्या माला से गुना करके खाली घरों में गुणनफल को लिखो। देखिए ये क्या करना है आप लोग को, ये एक दिया हुआ, यहाँ एक दिया हुआ, ये दोनों गुना करके लिखना। देखिए जैसे यहाँ पे 2 हो गया और ये 3, तो देखिए इसमें गुना कर देंगे 2 और 3, 3 × 6 = x². अब देखिए माइनस और ये प्लस, माइनस प्लस तो माइनस हो जाएगा, 6 × 3 = 18,
एक्स स्क्वायर एक्स तो एक्स क्यूब। अब सेम इसी को करेंगे, देखिए प्लस और माइनस तो कितना हो जाएगा, माइनस चार दो ने आठ एक्स स्क्वायर। अब फिर देखिए माइनस और ये माइनस तो हो जाएगा प्लस, छ चौका चौबीस, चौबीस एक्स क्यूब एक्स एक्स स्क्वायर एक्स तो एक्स क्यूब हो जाएगा। अब देखिए इसमें माइनस और ये माइनस तो प्लस, चार चौका सोलह एक्स एक्स तो एक्स स्क्वायर और वाई है तो वाई लिख देंगे। सेम देखिए अब ये टू और यहां पे सेवन, सात दुने चौदह एक्स स्क्वायर माइनस और ये प्लस तो माइनस, सच्चा के बयालीस एक्स स्क्वायर एक्स तो क्या हो जाएगा एक्स क्यूब, माइनस प्लस तो माइनस, सच्चों के अट्ठाईस एक्स 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 स्क्वायर और वाई, ये हो गया आंसर। इस प्रकार हम लोग इसका समाधान कर लिए, आशा है कि आप लोग को समझ में आया। अगर आप लोग इससे पहले वाला नहीं किया है तो आप लोग कर लीजिएगा, मैं कर दिया हूं पहले ही।